आज मित्रों बात कर रहे हैं सोल्फेस नामक ये कीटनाशक का। जैसे कि आजकल डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, और वैसे इस वीडियो का इस नर्सरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा ज़रूरत मुझे महसूस हुई इसलिए इस वीडियो को बता रहा हूँ। ये बायर कंपनी का है, ये देख सकते हैं बायर कंपनी का है। सोल्फेस नाम से एक दवाई आती है जिसमें यह छपा हुआ है मच्छर, कॉकरेज और मक्खी। ये तीनों प्रकार के मच्छर इससे कंट्रोल होते हैं, और स्पेशली ये घर में इस्तेमाल होने वाली दवा है। आप इसको जो है इंडोर में यूज़ कर सकते हैं, ये खेतों में प्रयोग होने वाली दवा नहीं है। और इसका जो डोज है, ये इसमें जैसे लिखा भी हुआ है आप देखेंगे इस पर, तो ये इसके ऊपर दिया हुआ है हाउस होल्ड इंसेक्टीसाइड है। और इसकी जो डोज है 1 लीटर पानी में 8 से 10 ml दवा का इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो मच्छर है वो कम से कम 15 से 20 दिन के लिए मकान में कंट्रोल हो जाता है। ये दीवारों के कोने में, अलमारी के कोने में, सोफे, कुर्सी या छुपी हुई जगहों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसको 8 ml से 10 ml दवा, और इस तरह का ये टैंक होता है, 2 लीटर का टैंक है, इसमें 18 से 20 ml दवा ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो डेंगू है उसके लिए, जो उत्तरदायी मच्छर है उसके लिए बहुत ही प्रभावकारी दवाई है। तो ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। साइफ्रूथीन नाम से ये इसमें साल्ट होता है 5%, और अगर मिलने में दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सोलोमन नाम की दवा और आती है जो कीटनाशक है, जो खेतों में इस्तेमाल हो सकती है, ना मिलने की कंडीशन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो इसी बायर कंपनी की है, लेकिन ये घरेलू इस्तेमाल के लिए स्पेशल बनाई गई है, और वो खेतों में कीटनाशक के लिए बनाई गई है। इसमें लिखा हुआ है हाउस होल्ड इंसेक्टीसाइड, जैसा कि आप इसमें पढ़ रहे हैं। और स्पेशली ये जैसे कॉकरेज के लिए इसको नहीं किचन में, क्योंकि कॉकरेज रसोई के अंदर होते हैं, वहाँ नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कॉकरेज के लिए जो है आप फिप्रोनिल का एक पेस्ट आता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बायर कंपनी का आता है, लेकिन स्पेशली मच्छरों के लिए बहुत प्रभावी दवा है। इसकी डोज मैंने आपको बता दी है। इसके रेट की बात करते हैं, लगभग 275 रुपये इसका 100 ml का प्राइस है।